नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो किस लिए की जाती है, इसमें जितनी भी कम्प्लेक्सिटी हैं, जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से जो है वो बेस पेयर यूज़ हो रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलेशन, प्रोटीन इंट्रैक्शन, इस सारी चीज़ की जो है वो स्टडी की जाती है। ठीक है, अब द मेन प्रिंसिपल ऑफ एनी डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड इज़, फर्स्ट पॉइंट उसका क्या आ जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आ जाता है, टू जनरेट पीस ऑफ डीएनए ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स। फिर मींस के स्टार्ट जो है वो सारे सेम पॉइंट से हो रहे हैं लेकिन एंड डिफरेंट पॉइंट पे हो रहे हैं, ये किस तरह से होगा, जब आप सेंगर्स मेथड जो है वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को तब ये बात समझ आएगी कि किस तरह वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर टर्मिनेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हो रहे होते हैं। सेपरेशन ऑफ दीज डिफरेंट साइज पीसेज ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रीडिंग ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम द जेल। अच्छा, सेपरेशन ऑफ दीज डिफरेंट साइज पीसेज, ये जो डिफरेंट साइज पीसेज हैं इनको आप रीड किस तरह से करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा किस पेंड हुए क्या, इन सारी चीज़ों की रीडिंग जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे की जाती है। ठीक है, अच्छा फिर आगे, फॉर जनरेशन ऑफ डिफरेंट साइज डीएनए फ्रेगमेंट टू डिफरेंट सिक्वेंसिंग मेथड वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s। एक जो है वो सेंगर मेथड आ जाता है, दूसरा मैक्सवेल गिलबर्ट मेथड आ जाता है। सेंगर मेथड क्या होता है, सेंगर मेथड जो है ये साइंटिस्ट के नेम की बेस पे जो है वो दिया गया है, और इस मेथड को डाई डिऑक्सी डीएनटीपीज मेथड भी बोलते हैं, डाई डिऑक्सी डीएनटीपीज। अब इसको डाई डिऑक्सी डीएनटीपीज क्यों बोलते हैं, देखें सिंपल, जो हमारे पास जो ये शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियोटाइड में यूज़ हो रही होती है शुगर, ठीक है, वो इस तरह से प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ डीएनए। तो डीएनए को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, हम लोग डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना। डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ना, तो डी ऑक्सी उसको क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन होता है। आरएनए सिंपली राइबोन्यूक्लिक एसिड है, लेकिन जो डीएनए है वो क्या है, वो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, मीन्स के वहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है एज़ कम्पेयर टू द राइबोन्यूक्लिक एसिड, मीन्स के आरएनए। तो देखें ये डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम होता है इसमें शुगर के स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वो एक ऑक्सीजन कहाँ पे कम होता है, वो यहाँ पे, ये जो सेकंड कार्बन होता है यहाँ पे, यहाँ बाकी सब में OH ही प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे H प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे O नहीं होता, लेकिन RNA के केस में यहाँ पे OH होता है, तो यहाँ पे एक O कम है ना, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं DNA को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बोला है कि सेंगर मेथड को क्या बोलते हैं, सेंगर मेथड को डाई डीऑक्सी बोलते हैं, मतलब टू डीऑक्सी, मतलब डाई डीऑक्सी मतलब टू ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे कम होंगे। सिंपल जो नॉर्मल केसेस होता है उसमें ये केस होता है कि सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन लेस होता है, तो उसको हम लोग डीऑक्सी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो डाई डीऑक्सी की बात आती है, तो डाई डीऑक्सी क्या होता है, डाई डीऑक्सी के केस में जो थर्ड कार्बन होगा, ठीक है, जो थर्ड कार्बन होगा, थर्ड कार्बन पे भी जो है वो एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इस पे भी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, डाई डीऑक्सी, मतलब कि दोनों लोकेशन पे जो है वो ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वजह से ये डाई डीऑक्सी हो जाएगा। नॉर्मल केसेस में आप लोगों ने अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने यही चीज़ स्टडी की थी ना, कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है जब वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन होता है तो फिर आगे उससे अगले के साथ, उसके से अगले के साथ, इस तरह से वो ज्वाइन होते जाते हैं, कंबाइन होते जाते हैं, तो उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जाता है, वाटर वहाँ से रिमूव होता जाता है। वो किस केस में हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कार्बन पे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, थर्ड कार्बन पे हमारे पास OH प्रेजेंट होता है नॉर्मल केसेस में, ठीक है, डाई डीऑक्सी की बात नहीं हो रही, सिंपली हमारे पास यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप होता है, तो ये OH ग्रुप जो है ये नीचे वाला, ये जो हाइड्रोजन मैंने लिखा हुआ है, ये नीचे वाले फॉस्फेट ग्रुप, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप का एच है, ठीक है, वो आप लोग वो पिछला स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज कर लें, जो हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन में पढ़ा था वो मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ ये वाला एच लिखा है, ये नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का है, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में इस तरह से ज्वाइन होते हैं, इनमें से वाटर निकल जाता है। ठीक है, अब मसला क्या आ गया कि इस केस में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो मींस वो वाटर का रिमूवल नहीं होगा, वाटर का रिमूवल नहीं होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, दो न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन नहीं होंगे तो सिंपली हमारे पास जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट आ जाएगा, मीन्स कि जब ये वाली पोजिशन आएगी, जब डी डी एन टी पीज एड होंगे, मतलब डाई डी ऑक्सी
एनटीपीज़ जो है वो जब ऐड हो जाएंगे यहाँ पे आके, तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा कि टर्मिनेशन पॉइंट आ जाएगा, वहाँ से आगे जो है वो फर्दर न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होंगे जब ये वाली पोजिशन आ जाएगी, जब यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा। ये एक हाइड्रोजन कब आएगा, जब हमारे पास क्या होगा डाईडीऑक्सी डी एनटीपीज़ होंगे। तो ठीक है, ये जो है ये सारा इसका फिनोमना है, सारी इसकी लॉजिक है सेंगर मेथड की, कि डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है उनके केस में क्या होता है टर्मिनेशन पॉइंट आ जाता है, डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो आगे इलोंगेट नहीं होता, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि यहाँ पर आके कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसके साथ अटैच हो, तो फिर यहाँ पर वो चेन एंड हो जाती है। तो ये अभी आप लोगों ने स्टार्ट वाला पॉइंट आपने पढ़ा था यहाँ पर, कि टू जनरेट पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस आल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट एंडिंग एट द डिफरेंट पॉइंट। वो स्टार्ट तो सारे सेम पॉइंट से हुए हैं लेकिन एंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जाके हुए हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्यों अटैच हुए हैं, जहाँ पे जिसका डाईडीऑक्सी आ रहा था वो वहाँ पे ही वो टर्मिनेट होता गया है। ठीक है, तो वो इस वजह से जो है ये इनकी टर्मिनेशन आती है। आगे जाके आपको ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर बेसिक प्रिंसिपल क्या आ जाता है सेंगर मेथड की, अब हम बात करें सेंगर मेथड के अंदर। This method generally is an in vitro synthesis of DNA strand and by using terminators. इसके अंदर जो है वो टर्मिनेटर यूज़ हो रहे हैं। वो टर्मिनेटर क्या हैं, वो टर्मिनेटर हैं डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड द ग्रोइंग स्ट्रैंड टर्मिनेट एट स्पेसिफिक साइट। वो जो ग्रो कर रहा है मीन्स कि जो इंक्रीज हो रहा है वो स्पेसिफिक साइट पे आके स्टॉप हो जाएगा। वो क्यों स्टॉप होगा, क्योंकि वहाँ पे डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आ गया है। ठीक है, जब डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो फिर आगे वो एलंगेट नहीं होता, उसके साथ आगे कोई और न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर सेंगर मेथड के लिए हमें रिक्वायर क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। एक हम लोगों को सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट चाहिए, हम लोगों को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, ठीक है, जिस पे हमने वर्क करना है। नेक्स्ट हम लोगों को प्राइमर चाहिए। प्राइमर आप लोगों ने कल वाले लेक्चर में हम लोग पता चल गया है कि प्राइमर क्या चीज़ होती है, हमें एक प्राइमर चाहिए। फिर हम लोगों को प्राइमर इनिशिएटर होता है, ठीक है। फिर हम लोगों को डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो कि नाइट्रोजीनियस बेसिस को वो करता है कि आके वो अटैच होती जाएँ प्राइमर के साथ, ठीक है। फिर हम लोगों को डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को पता चल गया, ये सिंपली जो है ये डीएनटीपीज़ का बताया हुआ है। डीएनटीपीज़ का आप ये डीएनटीपीज़ जो है वो दिए हुए हैं। डीएनटीपीज़ में जो है वो देखें, सेकेंड कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन है और जो थर्ड कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप है, ये डीएनटीपी है। लेकिन जब हम इधर आ जाते हैं मीन्स के डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इस पर आ जाते हैं ट्राईफॉस्फेट पर, तो फिर हम यहाँ पे क्या होता है कि ये देखें सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और थर्ड के साथ भी क्या है सिर्फ हाइड्रोजन है, OH नहीं है। तो फिर ये जो है ये टर्मिनेटर पॉइंट लेके आते हैं, इसके साथ फर्दर न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो सकते। अच्छा, हमें डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि द थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप होना ज़रूरी है, तब आगे जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा और आगे फर्दर जो है वो चेन एलोंगेट होगी। एवरी न्यूक्लियोटाइड हैव इट्स स्पेसिफिक डीडीएनटीपीज। अब ये जो डीडीएनटीपीज है मीन्स के डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हैं, वो हर एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे बताया हुआ है कि डीडीएटीपीज भी हो सकता है। एन किसको शो कर रहा है, एन जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस को शो कर रहा है, ठीक है। अब इस एन में हमारे पास ए भी यूज़ हो सकता है मीन्स के एडेनिन, सी भी यूज़ हो सकता है मीन्स के साइटोसिन, ग्वानिन भी हो सकता है, जी भी, और नेक्स्ट कौन सा होता है टी थायमिन। इन चारों में से कोई भी जो है वो हम लोग इस एन की जगह यूज़ कर सकते हैं, इस एन की जगह, ठीक है। और जब यहाँ पे आप सिंपली इसकी जब बात कर रहे होते हैं, ये वाले डीएनटीपीज की जब आप बात कर रहे होते हैं, तो इसमें भी एन जो है वो सिंपली नाइट्रोजीनियस बेस को शो कर रहा होता है। इस एन की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, ये ओवरऑल एन यूज़ करते हैं हम, लेकिन जब स्पेसिफिक आ जाता है तो फिर हम डीएटीपी यूज़ करेंगे, डी सीटीपी यूज़ करेंगे, डी जीटीपी, डी टीटीपी यूज़ करेंगे, वो फिर हर एक नाइट्रोजीनियस बेस के लिए स्पेसिफिक आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये डीडीएनटीपी में जो है वो आगे इसको इलादा करके बता दिया कि यहाँ पे डीडीएटीपी भी यूज़ हो सकता है, डीडीजीटीपी भी हो सकता है, डीडी और सीटीपी भी हो सकता है, डीटीटीपी भी हो सकता है, ये सारे नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पे ये हमें रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए, सेंगर मेथड के लिए, कि हम लोग सीक्वेंसिंग किस तरह से कर सकते हैं। कोई हमारे पास अननोन सीक्वेंस है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी नाइट्रोजीनियस बेसिस ऐड हैं।
अच्छा, फिर इसका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले डीनेचुरेशन होगी। डीनेचुरेशन में जो है वो हमारे पास हमने सिंपली लिया ही जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो वो डीनेचुरेशन फिर ऐसा सच रिक्वायर नहीं है। डीनेचुरेशन जो है वो सेपरेशन करने के लिए स्टैंड के जो है वो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट में जो है वो फिर आ जाता है प्राइमर। प्राइमर अटैच होंगे तो फिर उसके साथ आके फर्दर बेसिस अटैच होती जाएंगी। फिर हम लोगों को जो है फिर प्राइमर की अटैचमेंट सेकंड स्टेप आ जाता है। प्राइमर अटैच होगा तो फिर उसके साथ बेसिस खुद ही अटैच होती रहेंगी। ठीक है, ये सारा सेकंड स्टेप में आ गया। फिर थर्ड आ जाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जब DDNTPs आके अटैच होंगे। ठीक है, मींस कि DDNTPs आके अटैच हो जाएंगे। वहाँ पे एन नहीं होगा, फिर डायडियोक्सी ये जो NTPs हैं ये आके अटैच हो जाएंगे, तो फिर वो जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट आ जाएगा। थर्ड स्टेप टर्मिनेशन पॉइंट होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम टर्मिनेशन पॉइंट तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जेल के ऊपर जो है वो हम लोगों को सारे सीक्वेंस दिए हुए होते हैं, उस पे हम लोग जो है वो अपना जो हमारा जो भी स्पेशल सीक्वेंस है उसको हम रीड करते हैं। आफ्टर टर्मिनेशन हम उसको जेल पे रीड करते हैं। ठीक है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको फिर सेपरेट उसमें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब ये सिंपली हम लोगों ने इस प्रोसेस को करने के लिए हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली हैं। ठीक है, हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या एंटर किया? इसके अंदर हमने डाई डिऑक्सी ATP ऐड किया। ठीक, सेकंड वाले में हमने क्या ऐड किया? डाई डिऑक्सी GTP ऐड किया। थर्ड वाले में हमने क्या ऐड किया? डाई डिऑक्सी CTP ऐड किया। और फोर्थ वाले में हमने क्या किया? डाई डिऑक्सी TTP ऐड कर लिया। हम लोगों ने 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं हमने 4 के 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट कर लिए, टेस्ट ट्यूब या बीकर जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐड कर लिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो बाकी हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी कि हमें इस प्रोसेस के लिए कौन कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को होंगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, अब वो हमने इसमें पुट करनी है। ये जो 4 मैंने अभी आपको बताई हैं ये स्पेसिफिक हैं हर एक टेस्ट ट्यूब के लिए। मींस के जो DDATP सिर्फ इसमें ही है, इसमें DDATP नहीं है, इसमें DDGTP है। ये वाली जो नाइट डी डी वाली जो हमने यूज़ की है, मीन्स डाई डिऑक्सी वाली जो यूज़ की है, वो हर एक बीकर के लिए चेंज है। ठीक है, लेकिन बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम सब में सेम सेम पुट करेंगे। मतलब कि इसमें भी, ट्यूब 1 में भी, ट्यूब 2 में भी वही चीज़ें डालेंगे, ट्यूब 3 में भी और ट्यूब 4 में भी। वो कौन सी रिक्वायरमेंट है? अभी हमने जो पढ़ी थी, एक तो इसमें टेम्पलेट DNA आ जाता है ना, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। सिंगल स्टैंडर्ड DNA हमने ट्यूब 1 में भी डालना है, ट्यूब 2 में भी, ट्यूब 3 में भी, ट्यूब 4 में भी डालना है। फिर नेक्स्ट में प्राइमर है, प्राइमर हमने ट्यूब 1 में भी डालना है, 2 में भी डालना है, 3 में भी, 4 में भी। फिर DNA पॉलीमरेज है, हमने ट्यूब 1 में भी डालना है, ट्यूब 2 में भी डालना है, 3 में भी डालना है, 4 में भी डालना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो नहीं लिखे हुए, ये नहीं लिखे हुए DNTPs। ठीक है, वो DNTPs भी डिफरेंट DNTPs भी आप इनको बोल सकते हैं, ये सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेसिस भी बोल सकते हैं। वो DNTPs जो है वो भी हम सब में डालेंगे, मीन्स कि ट्यूब 1 में भी, ट्यूब 2 में भी, ट्यूब 3 में भी, ट्यूब 4 में भी, सब में हमने डाल दिया। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है वो डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो हमने ऑलरेडी पुट कर लिया है। ठीक है, वहाँ पे ये डाई डिऑक्सी तो हमने पहले ही पुट कर लिया था। डाई डिऑक्सी स्पेसिफिक है, A, G, C और T वाला ये। अब हमने ये पुट कर लिया। अब जो है वो जब प्रोसेस रन करेगा तो टेम्पलेट के साथ जो पहली चीज़ आके अटैच होती है वो क्या होती है? प्राइमर होता है। प्राइमर आके उसके साथ सबसे पहले अटैच होगा, फिर DNA पॉलीमरेज जो है वो आके नाइट्रोजीनियस बेसिस को वहाँ पे अटैच करता रहेगा। वही जो हम लोगों ने कौन सी यूज़ की है नाइट्रोजीनियस बेसिस? DNTPs, ये वाली DNTPs, ये डाई डिऑक्सी नहीं है, अच्छा DNTPs। DNTPs जो है वो आके अटैच होती रहेंगी। क्लियर हो गया? जब DNTPs आके अटैच होती रहेंगी प्राइमर के साथ तो चेन जो है वो इलॉन्गेट होती रहेगी ना, उसके साइड पे जो है वो सेकंड स्ट्रैंड जो है वो DNA का फॉर्म होता रहेगा। इसी तरह से करते करते क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ट्यूब में देखते हैं कि फर्स्ट ट्यूब में अचानक से आके डाई डिऑक्सी ATP आके अटैच हो गया। डाई डिऑक्सी ATP कौन सा है? डाई डिऑक्सी ATP यहाँ पे A है, तो ये देखें ये 3 प्राइम एंड से 5 तक जो है जो ब्लू से लिखा हुआ है ये टेम्पलेट है, वो सिंगल स्टैंडर्ड जो DNA ये टेम्पलेट है। ठीक है,
तो फिर जो नीचे वाले कलर में जो दिया हुआ है रेड कलर में, वो अब उसके कंप्लीमेंट्री स्टार्ट हुए हैं ना, 5 से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये जो है इसके साथ आके पहले तो सही है जी, ठीक है, वो जो DNTPs हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनको प्राइमर आके अटैच करता जा रहा था, वो अटैच होती जा रही थी, लेकिन उनकी अटैचमेंट के साथ साथ फिर अचानक से क्या हुआ कि DDATP आके अटैच होगी। तो DDATP जब आके अटैच होती है तो फिर क्या होता है, वो प्रोसेस वहाँ पे ही मीन्स वो चेन वहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है, उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये ए जो है वो आके अटैच हो गया, ये ए किसका ए था, ये DDATP का ए था, तो ये आके अटैच हुआ। तो फिर अब इसके साथ, इसके तो थर्ड कार्बन पे OH नहीं है, जस्ट H है ना, तो इसके साथ और कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं अटैच हो सकती, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन सकता, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ गया, ये नेक्स्ट जो आ जाता है ट्यूब टू। ट्यूब टू में क्या हुआ, 3 से 5 तक जो है वो टेम्पलेट है हमारे पास, वो ऑलरेडी वो जो हम लोगों ने टेम्पलेट इंटर किया। फिर सेकंड जो उसके कम्प्लीमेंट्री में स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या हुआ, ये पहले जो है वो आके पहले नाइट्रोजीनियस बेस अटैच हुई, इसी दूसरे में आके वहाँ पे फ़ौरन से जो है वो DDGTP आके अटैच हो गया। ये जो हमने ट्यूब क्यू में DDGTP डाला था ना, तो वो DDGTP आके यहाँ पे अटैच हो गया। तो जब वो आके अटैच हो जाएगा तो फिर वहाँ उससे आगे तो वो चेन एलोंगेट नहीं होगी ना, तो ये यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगी। अब इसके बाद नीचे दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, ये दोनों पॉसिबिलिटी दी हुई हैं, ठीक है, ये दो चेन नहीं फॉर्म हो रही, दो पॉसिबिलिटी बताई हुई हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी के केस में क्या हो सकता है, कि यहाँ पर जो है ये भी आके ये वाली चेन जो है ये इस तरह से भी रन कर सकती है, कि मीन्स पहले बाकी जो हमने इतने सारे बीच में उसमें DNTPs डाले हुए हैं, डी डी नहीं, जस्ट DNTPs जो हमने उसमें डाले हुए हैं वो आके अटैच होते रहे हैं, CGTAC, फिर चेन काफ़ी लंबी बनी है, फिर उसके बाद जाके जो है वो हमारे पास क्या चीज़ आके अटैच हुई है, ये DDGTP आके अटैच हुआ, तो वही वहाँ पे टर्मिनेट होगी, स्टॉप हो गया। थर्ड वाला केस सेम वही आ जाता है, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हुई हैं। इस केस में जो है थर्ड वाली ट्यूब में हमने DDCTP पुट किया था ना, ये DDCTP पुट किया था, DDCTP जो है वो पहले जो ब्लू दिया हुआ है वो हमारा टेम्पलेट है, DDCTP जो है वो फर्स्ट वाले के साथ ही आके अटैच हो गया, बिल्कुल स्टार्ट में ही जो है वो आके अटैच हो गया, तो वो चेन वहाँ पर जो है वो टर्मिनेट होगी, उसके साथ और कोई भी एलोंगेशन नहीं हुई। थर्ड सेकंड केस में क्या हुआ कि चेन थोड़ी सी आगे तक की है और वो मीन्स के थोड़ा सा जो आगे जाके जो है वो DDCTP अटैच हुआ, तो चेन टर्मिनेट हुई है, यही सारे केस हैं इसमें, ठीक है, इसी तरह से ये होता है। अच्छा, फिर ये सारी जो है वो जब फिनोमना हो जाता है ये ट्यूब्स के अंदर हमने जो पुट किया हुआ है, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम निकाल के हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो है वो रीड करते हैं। ये जो है ये पूरा इलादा से एक फिनोमना आ जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इसको किस तरह से रीड